दोस्तों, आपको किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना होता है या उसको ट्रांसपेरेंट के अंदर चेंज करना होता है, मोस्टली जैसे आपका कोई लोगो है या आपका कोई फोटो है, जैसे आप इस टाइप से कोई थंबनेल बनाना चाहते हो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो मोस्टली आप लोग क्या करते हो, उनको या तो फोटोशॉप से एडिट करते हो या कोरल ड्रा से एडिट करके उनको ट्रांसपेरेंट के अंदर बनाते हो या उनका बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हो क्रॉप करके। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपका है वो टाइम वेस्ट होता है और आप अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पुराने जैसे फोटोशॉप से या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से इनको एडिट करके उनका बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हो, जिससे आपका टाइम वेस्ट है वो ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी किसी भी फोटो का बैकग्राउंड है वो कुछ ही सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हो, और साथ में यदि आपको कोई लोगो है या कोई इमेज है जिसको आप ट्रांसपेरेंट के अंदर चेंज करना चाहते हो तो उसको कैसे चेंज करोगे। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीखते हैं हम लोग किसी भी फोटो को कम टाइम के अंदर कैसे वो ट्रांसपेरेंट के अंदर है वो कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव बीजी। तो ये आपको सिंपली सर्च करना है, रिमूव बी और जी लगा के सर्च कर देना। आपको जैसे आप सर्च करोगे तो ऊपर ऊपर आपको एक सर्च बार के अंदर आ जाएगा रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वो फोटो अपलोड करनी है जिसको आपको बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। सपोज मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी कोई भी एक फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली, बाकी आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि नेट की स्पीड कितनी फास्ट है, जितनी फास्ट होगी उतना फास्ट है वो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरी फ़ोटो का है वो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल रिमूव हो गया है और ये फ़ोटो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट के अंदर है वो चेंज हो गई। ओरिजिनल जो फ़ोटो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आपके कोई भी डाउट न रहे। तो ओरिजिनल फ़ोटो है वो कुछ ऐसी है जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो ये बैकग्राउंड सारा का सारा है वो इसके अंदर आप देख रहे हो कि रिमूव हो चुका है। बाकी आप जो भी इनके अंदर बैकग्राउंड भी लगाना चाहो तो बैकग्राउंड लगा सकते हो, आपको ऑप्शनली मिलते हैं, बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो और जो भी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करने होते हैं वो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक जैसे ये देखिए या ये देखिए, तो आपको जो भी बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे आप है वो सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी जो आपको बेटर लगे कि मैं ये बैकग्राउंड है वो सेट करना चाहता हूँ, या आप फाइल को ट्रांसपेरेंट के अंदर ही रखना चाहो तो आप फाइल को ट्रांसपेरेंट के अंदर ही रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से और HD के अंदर है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं आपको दूसरी फ़ोटो पे और दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली फ़ोटो, इसके बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इस टाइप का बैकग्राउंड है और मैं इस पर जैसे यहाँ पर ओपन करता हूँ तो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिससे आपको फोटोशॉप के अंदर या कोरल ड्रा के अंदर किसी भी फोटो को एडिट करने की जरूरत नहीं होती और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप फोटो को वो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हो कुछ ही सेकंडों में। आप खुद ही देख लेते हो, जितना वीडियो देखते हो उससे ज़्यादा समय आपको फोटो को क्रॉप करने में या उसका बैकग्राउंड रिकॉर्डने में लग जाता है, लेकिन इससे आप बहुत ही ईजी और बहुत ही कम समय में बैकग्राउंड है वो फोटो का रिमूव कर सकते हो और फोटो को ट्रांसपेरेंट में चेंज करके आप कहीं भी यूज़ में ले सकते हो। कि आपको कोई थंबनेल पे लगानी होती है या कहीं भी आपको लगाना यूज़ में लेना होता है, जो फाइल को आप इमेज को JPG को ट्रांसपेरेंट के अंदर बना सकते हो। तो ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट के अंदर बन चुकी है। इस टाइप से आप कोई भी लोगो भी कर सकते हो, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, HD के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फोटो को है वो ट्रांसपेरेंट के अंदर या उसका बैकग्राउंड है वो हटा सकते हो और उस वेबसाइट में आप अदर बैकग्राउंड भी है वो चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।